मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लास। आज मैं क्लास सिक्स को पढ़ाने जा रही हूँ। जैसा कि मैंने यहाँ पे लिख दिया, सब्जेक्ट जो है एसएसटी आपका चैप्टर वन चल रहा है ज्योग्राफी में, और आज आपका जो टॉपिक जो है द मून है यानी चांद। इट हैज़ नो क्लाउड, नो एटमोसफेयर, नो रेन, नो वाटर एंड नो एयर। देखिए, चांद पे ना तो बादल है, ना ही एटमोसफेयर है, वायुमंडल है, ना ही वहाँ पे बारिश है, ना ही पानी है और ना ही हवा है। जब वायुमंडल नहीं रहेगा तो जाहिर सी बात है कि हवा भी नहीं होगा वहाँ पे। तो बादल नहीं है, पानी नहीं है, वायुमंडल नहीं है, हवा नहीं है और बारिश नहीं है। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून इज 1/5 डैट ऑफ द अर्थ, यानी पृथ्वी का पृथ्वी पे जो इतना ग्रेविटेशनल फोर्स है यानी गुरुत्वाकर्षण बल है, पृथ्वी पे गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से ही कोई भी चीज़ को जब आप ऊपर फेंकते हैं तो वो नीचे क्या होता है, चला आता है, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। तो 1/5 जो है वो मून का जो है पृथ्वी की तुलना में मून का 1/5 जो है वहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स है। द पर्सन हु वेथ 100 kg विल वेट ओनली 20 kg ऑन द मून, यानी अगर पृथ्वी पे किसी भी इंसान का 100 किलो वज़न है तो उसका मून पे वज़न कितना हो जाएगा, 20 किलो हो जाएगा, यानी 1/5 भाग जो है वो ग्रेविटेशनल वहाँ पे मून पे है। द फर्स्ट मैन टू रीच द मून, टू वॉक ऑन द मून वॉज नील आर्मस्ट्रॉन्ग। पहला इंसान जो चांद पे गया और चांद पे चला उसका नाम क्या था, नील आर्मस्ट्रॉन्ग था। He set his left foot on the surface of the moon, और उसने अपना बायां पैर जो है वो चांद के सतह पे रखा at 10:56 PM EDT, यानी यूरोपियन डे टाइम के हिसाब से उसने 10:56 PM में उसने अपना बायां पैर जो है वो चांद के सतह पे रखा on July 20, और 20 जुलाई को उसने पैर रखा 1969, और उस वक्त समय क्या हो रहा था, साल कौन सा था, 1969 था। एंड एट 2:56 AM IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, यानी 2:56 AM सुबह का टाइम होगा, 12 बजे के बाद में AM हो जाता है और 12 बजे से पहले क्या होता है, PM होता है। तो उस वक्त IST यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से ऑन July 21, 1969, और यहाँ पे July 21 हो रहा था 1969, साल कौन सा था, तो 1969 था। द मून हैज़ नो लाइट ऑफ इट्स ओन, चांद के पास जो है वो अपनी कोई भी रोशनी नहीं होती है, यानी चांद का रोशनी खुद का नहीं होता है। इट रिफ्लेक्ट्स द लाइट ऑफ द सन, यह क्या करता है, सूरज से जो रोशनी उसको मिलती है उसी को फिर क्या करता है, परावर्तित कर देता है, यानी उसी का परावर्तन कर देता है। वाइल मूविंग अराउंड द अर्थ, जब यह चांद जो है वो पृथ्वी का चक्कर लगाता है, द मून अपीयर्स इन डिफरेंट शेप्स साइज एंड पोजिशन, तो चांद का जो आकार होता है वो हर जगह सेम नहीं होता है और उसका पोजीशन, उसकी स्थिति भी जो है वो सेम नहीं होती है। सब जगह जो उसका आकार जो होता है वो भी अलग होता है, उसकी स्थिति जो है वो भी अलग होती है। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही, थैंक यू।